श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हमने भक्तराज प्रहलाद जी की कथा सुनी। इन कथाओं को सुनने से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि पूरा समाज प्रहलाद जी का विरोध करता था, यहां तक कि असुरों में उन्होंने जन्म लिया। जैसे कीचड़ में कमल होता है, ऐसे प्रहलाद जी खिले रहे और उस कीचड़ का अपने ऊपर रंग नहीं डाला, बल्कि उस कीचड़ को भी कमल बना दिया। पूरे असुरों के अंदर भक्ति भाव जगा दी, सारे बाल गोपालों को उन्होंने कृष्ण भक्त बना दिया। यहां तक कि जब प्रहलाद जी ने भगवान के बहुत सारे चमत्कार दिखाए हरि भक्ति के, तो सारे राक्षसों ने मांस खाना छोड़ दिया, बुरा व्यवहार करना छोड़ दिया, सब धर्मात्मा बन गए। एक अगर धर्मात्मा कोई पैदा हो जाता है सच्चा, तो वो लाखों को धर्मात्मा बना देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि बुराई में इतनी शक्ति नहीं है जितनी अच्छाई में शक्ति होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बुराई की शक्ति कम और थोड़े समय के लिए होती है, अच्छाई की शक्ति ज्यादा और हमेशा के लिए होती है। सत्यमेव जयते। बोलो जय श्री कृष्ण। अब अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। यहां मनवंतरों की कथा आ जाए। मनवंतर समय का मान है, बता रहे हैं हमारे आचार्य जन। जब चारों युग एक बार पूरे होते हैं तब एक चतुर्युगी कहलाती है। इतनी बात समझ में आई आपके? चारों युग कौन कौन से? जब ये चारों एक बार बीतते हैं तब एक चतुर्युगी बीतती है। छोटू तुम भी सुन लिया करो, क्या बोला हमने? तुम्हारा कथन में कभी ध्यान नहीं देखा, मैंने देखा है ये चीज। इधर को बैठो। चारों युग हैं। कलयुग से गिनना शुरू करो। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सत्ययुग, इससे गिनती ठीक बनती है। ऊपर से क्रम बिगड़ जाता है, इसलिए कलयुग से लो। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सत्ययुग, चारों युग एक बार बीत जाते हैं तो एक चतुर्युगी होती है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। जैसे हमारा ये दिन है ना, तो हमारा दिन तो 12 घंटे का है, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन एक चतुर्युगी का है। बाप रे, इसमें 14 मनमंत्र बीत जाते हैं माताओं। एक मनमंत्र 72 चतुर्युगी के समान होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन मनुष्य के एक दिन के बराबर कितना, कितने दिन लगते हैं ब्रह्मा जी के दिन में? मनुष्य के 4,29,40,80,000 वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन है। बोलो जय श्री कृष्ण। और दिन में भगवान पता नहीं कितनी बार अवतार ले लेते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु ब्रीहि सब संता। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव व्यास जी परीक्षित जी महाराज की जय। एक बार त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक सुंदर सा सरोवर है। वहां कुछ हाथी का झुंड स्नान करने के लिए आया हुआ था। हाथियों का राजा गजराज अपनी पत्नी बच्चों के साथ वहां स्नान कर रहे थे। पिछले जन्म के बैर के कारण जो इस जन्म में किसी से बैर रखता है, वो अगले जन्म में भी कोई ना कोई पशु बन करके
सांप बन करके डस लेता है उसको, कुत्ता बन के काट लेता है पैर में, अथवा तो कैसे भी बदला लेता है। तो महापुरुष कहते हैं कि इसी जन्म में अपना बैर खत्म करके मरना चाहिए। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। विष्णु को क्या घट गयो जो भृगु ने मारी लात। भृगु जी ने भगवान विष्णु की छाती पे लात मारी, तो भगवान का कुछ घटा नहीं। जैसे एक माँ छोटे बच्चे को गोद में खिला रही, तो माँ का बच्चा अपने नन्हे नन्हे पैर उठा उठा के मार रहा है, माँ को कभी यहाँ लग रहा है कभी यहाँ लग रहा, तो माँ बदला थोड़ी लेगी, मेरे मारा इसने बच्चे ने, उसे तो प्यारे लगते हैं उसके चरण। और जब वो घुटवन घुटवन चलने लग जाता है तो उसके बाल भी नोचता है माँ, उससे बच्चे ने नोचे बाल और मैया ने पिलाया दूध। बोलो राधे राधे, ऐसे है भगवान कर। भृगु जी ने मारी छाती पे लात और उनके चरण लेकर के मालिश करने लगे। अरे संत जी, आपके चरणों में चोट ना लग जाए, मेरा तो ये वक्षस्थल जो है पत्थर का है। बोलो राधे राधे। तो माताओं के अंदर ये जो पालने की शक्ति है, ये मेरे नारायण की कृपा से है। बोलो राधे राधे। अब इनका जो चरण था गजराज का, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, क्योंकि पिछले जन्म के बैरी थे। तब इन्होंने अनायास पिछले जन्मों की भक्ति के प्रभाव से भगवान की स्तुति की। बोलिए ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधिमहि। ओम माने ओम, वो भगवान जो हैं जो दुख को दूर करने वाले हैं, सुख करने वाले हैं। उनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन कभी वो दया करने में आलस नहीं करते। आज मुझे इस मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा दे, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं गजेंद्र मुख वर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो लिंग भेदाभिमान। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उसकी पुकार तो सुनी करुण, लेकिन कोई गया नहीं। ब्रह्मा जी तो ये सोच रहे थे कि मेरा नाम ही बोल दे। अरे और नहीं तो ये बोल दे, ओ चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुझे बचाओ। दुर्गा माता जी बोले थी कम से कम जय माता की ही बोल दे तो मैं बचाऊं। भोले बाबा सोच रहे थे कि अरे भाई और कुछ नहीं तो बोल कम, परंतु किसी का नाम लिया नहीं, किसी की स्तुति की नहीं। तो भगवान ने देखा भैया जब कोई नाम नहीं लिया तो बिना नाम के तो मैं भी हूं अनामी। वेदों में मुझे अनामी कहा, अजन्मा कहा। तो स्वयं भगवान आ गए, सो अंतः सरसुर बलेन ग्रहीत आर्तो दृष्ट्वा गर्भमति हरि कम उपात चक्रम उद्दिष्ट सांभुज करम गिरमाहु प्रच्छान नारायणा अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हाथ में पुष्प लिया अपने सूंड में और गोपाल को दिया। भगवान ने उसका पुष्प लिया और खींच लिया बाहर, तो जिसने पैर पकड़े थे वो मगरमच्छ भी दिखाई दिया। भगवान ने मगरमच्छ को उद्धार किया चक्र के द्वारा। बोलो राधे राधे। जो भगवान की कथा आदि में नहीं मन लगाते वो फिर ऐसे ही हाथी मगरमच्छ बने करते हैं, बने फिरते हैं। घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली की योनि में चले जाते हैं। देवल ऋषि के शाप से हुहु नामक गंधर्व तो बना मगरमच्छ,
और अगस्त मुनि के शाप से इंद्रद्युम्न नाम के राजा बने हाथी। लेकिन देखो संतों का शाप डांट उसमें भी अमृत है। भक्त लोग जो डांटते हैं ना उस डांट में भी क्या है, कृपा है। इसलिए उस डांट को भी आदर से लेना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए कुछ। ऐसी सीखनी कि भाई बार बार डटवाती रहो, अब आगे डांट का काम नहीं करना। आगे दुर्वासा जी गए भगवान के धाम। दुर्वासा जी को एक माला भेंट की गई। बैठ जाओ बेटा, कर दिया करवा सेवा। ये जो माला है, माला में बताया गया है माँ मन माधव, ल मन लक्ष्मी, राधा कृष्ण का वास होता है। आप लोग हमें भगवान को माला पहना करके हमें पहनाते हो प्रसाद की माला, तो प्रसाद की जो भगवान के गले में माला है उसे पहनना चाहिए। नई माला नहीं पहननी चाहिए, भगवान को प्रसाद बना करके तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। भगवान को अर्पित की हुई चीज ग्रहण करनी चाहिए, कोरी चीज नहीं लेनी चाहिए। वो चोर होता है जो भगवान को अर्पित किए बिना कोई चीज ग्रहण करता है। गीता में उसे साफ साफ चोर कहा गया है। इसलिए माता बहनों आप लोग कोई आभूषण भी लाओ, वस्त्र भी धारण करो, तो कहाँ पे करोगे, भगवान को अर्पित कर दो। कभी कभी नए नए कपड़े रेडीमेड होते हैं तो वो वही पहन करके देखने होते हैं, तो वहां भी आप भगवान की याद कर लो, हे भगवान पहले आप ही लो इसको, क्योंकि वहां मूर्ति तो होगी नहीं आपके पास मंदिर वाली लड्डू गोपाल की, तो मन तो है ना ऐसे बोल रहे, हे गोपाल ये वस्त्र पहन रही हूं मैं, पहले आप ले लो। बस बन गया प्रसाद। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। दुर्वासा जी की दी हुई माला का उपहास बनाया गया। इंद्र को अपना राज्य खोना पड़ा। अष्टम स्कंद में ही समुद्र मंथन की लीला हुई। भगवान नारायण अजित के रूप में प्रकट हुए, अजित नाम से। बोलिए अजित नारायण भगवान की। जिन्हें कोई जीत ना सके वे हैं अजित भगवान। उन्होंने कहा देवताओं और राक्षसों, इस समुद्र को मंथन होगा, इसमें से अमृत निकलेगा और आप लोगों को पिलाया जाएगा। वासुकी नाग की रस्सी मथानी बनाई गई, रस्सी बनाई गई और मथानी बनाई गई मंद्राचल पर्वत। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें ज्वार भाटा की तरह आने लगी। जब घर्षण हुआ सबसे पहले उसमें से विष निकला। उस विष को किसको दें? बोले एकमात्र दुनिया में भोले बाबा के अलावा इस विष को हजम करने वाला कोई नहीं है। तो भगवान शंकर जी के पास में गए हैं, हे भोलेनाथ इस विष को आप धारण कर लीजिए।